नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ BRO के बारे में। BRO क्या है? बॉर्डर, यहाँ पे देखिए, रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो ऑफर किया जा रहा है, कुल मिलाकर 563 वैकेंसीज है, जिनमें आप देखेंगे MSW, यहाँ पे पेंटर के लिए पोस्ट है, और साथ ही साथ MSW ड्रिलिंग्स के लिए एंड अदर्स पोस्ट भी है। तो पूरा डिटेल्स में इस जॉब को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस डिटेल्स में आप देखेंगे तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको डिस्कशन मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जॉब के पूरा डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। साथ ही साथ आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इसका प्रोसीडियर क्या है, सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो ऑफर किया जा रहा है, कुल मिलाकर जो जॉब है, ऑल ओवर इंडिया से आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा, और अब ब्रॉडर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ही आपको जॉब मिलेगा। 563 वैकेंसीज है, जिनमें से आप देखेंगे रेडियो मैकेनिक्स के लिए 2 पोस्ट है, और साथ ही साथ ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए 154 पोस्ट है, ड्राइवर एंड मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए 9 पोस्ट है, साथ ही साथ व्हीकल मैकेनिक के लिए 236 पोस्ट है। तो इस सारे पोस्ट के लिए जो सैलरी पैकेज है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे रेडियो मैकेनिक के लिए आपको 25,500 से 81,000 तक पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा, चलो अच्छी बात है। और यहाँ पे देख सकते हैं, तीनों पोस्ट के लिए आपको कुल मिलाकर 19,900 से 63,200 तक पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाले है। और MSW साथ ही साथ MSW पेंटर के लिए और MSW मेस वेटर के लिए आपको एक पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे 5 पोस्ट, और यहाँ पे देखिए MSW में, यहाँ पे देखिए मैजोन के लिए 149 पोस्ट दिया गया है। तो कुल मिलाकर 18,000 से 56,900 तक पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। और पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको डिस्कस इसीलिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप जिस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। आप जिस पोस्ट ढूंढ रहे हैं, शायद वो पोस्ट इस जॉब में मिल ही जाएगा, तो इसलिए जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, एज लिमिट के बारे में बात करूँ तो MSW के जितने सारे पोस्ट है उसके लिए 18 से 25 ईयर्स तक आपको एज लिमिट दिया गया है, एंड अदर्स जो पोस्ट है उसके लिए 18 से 27 ईयर्स तक आपको दिया गया है। आप कहेंगे सर क्या यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं रहेगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। तो सिलेक्शन होने के लिए सिलेक्शन का जो प्रोसीडियर रहेगा वो 18 टेस्ट और आप देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, साथ ही साथ आपका कुछ ट्रेड का टेस्ट भी देना पड़ेगा। मान के चलिए कोई भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस ट्रेड के लिए आपको टोटली कुल मिलाकर जो आपका क्वालिटी है उस क्वालिटी को आपको ट्रेड टेस्ट के हिसाब से देना पड़ेगा। तो सैलरी पैकेज अभी तक मेंशन नहीं किया गया है, आप सिलेक्शन हो जाइए, उसके बाद आपको इंटरव्यू के माध्यम से जब सिलेक्शन होंगे तब आपको सैलरी पूछा जाएगा, और उस हिसाब से आप सैलरी को मेजरमेंट करिएगा, और कंपनी भी आपको सैलरी जरूर बताएगा। एप्लीकेशन की जो फीस है, ₹15 आपको जनरल ओबीसी के लिए आपको देना पड़ेगा, और SC ST फिजिकल हैंडीकेप के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑल ओवर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट हैव मैट्रिकुलेशन पास एंड ITI सर्टिफिकेट कोर्स आपको पास आउट होना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन हो पाएंगे। तो कुछ क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं एक एड्रेस भी यहाँ पे मैं आपको मेंशन किया हूँ। इस एड्रेस में आपको फॉर्म को भेजना होगा, जो एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया हूँ वो पुणे का एड्रेस है, तो पुणे का इस एड्रेस में आपको भेजना होगा। और यहाँ पे फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा, देखिए फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है और अप्लाई बटन है दोनों लिंक में जाकर आपको मिल जाएगा। तो मैं दोनों लिंक नीचे दे दूंगा, नीचे जॉब एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में जाना तो इस वेबसाइट ओपन हो जाएगा, मेरी इस वेबसाइट ओपन हो जाएगा, तो इस वेबसाइट में जाकर आप पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन में क्लिक करना तो इस पेज ओपन हो जाएगा, जो चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ वही डेटा यहाँ पे आपको मिलेगा, कितने वैकेंसीज है, कौन सा पोस्ट के लिए, और साथ ही साथ सैलरी पैकेज कितना रहेगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक फॉर्म भी मिल जाएगा, उस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट करना है, और फिलअप करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उस सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करिए, और उसके बाद जो एड्रेस मैं आपको बोल चुका हूँ उस एड्रेस में जाकर भेजिए। देखिए आपका एडमिट के लिए जो एग्जामिनेशन का जो एडमिट है उसको भी आपको पहले से ही फिलअप करके भेजना होगा। फोटो का जो साइज है वो फोटो साइज आप यहाँ पे डालिए 4x3x5, साथ ही साथ आप बाकी डिटेल्स भी भरिए, उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। तो ये था जॉब का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय।